आज फिर हम हो गए रेडी और आज हमारा है थर्ड डे, तीसरा दिन हम लोग जा रहे हैं बाराकोल का एंड कोपचा का। हमारा तीसरा दिन है, आज हम फिर चलते हैं ब्लॉग बनाने के लिए और बने रहिए आगे। आज आपको हम नहीं दिखाएंगे कोई नई जगह, क्योंकि अब से पहले हसनैन भी नहीं गया उस जगह पर। हाँ, मैं भी नहीं गया, ये लोग घूम चुके हैं उज्ज्वल एंड अजय, बाकी ये लोग घूम चुके हैं। अभी हम जाएंगे तो हम भी पहली बार जाके देखते हैं। बने रहिए वीडियो पे, आगे चल के हम दिखाएंगे आपको। रात में देखी बाइक यहाँ पे पहले। आज आशू की ड्रेस देखिए कुछ ज्यादा ही नहीं चमक रही। मम्मी से मैचिंग आ रही है, गोवा जा रहा हूँ। दोनों जा रहे हैं आज, हम चो जा रहे हैं, हम कोफ कोफते बोल दो। ये देखिए सैलून, यहाँ के लोगों का सैलून देखिए ना कितना सजा धजा। और ये बच्चे हैं, हाय बच्चों। तो अब हम चल दिए बस स्टैंड के तरफ और देखते हैं बस हमें कितनी देर में मिलती है। वैसे यहाँ 5-5 मिनट में बस का रूटीन है, तो हमें यहाँ बस मिल गई और हम बस में जाके, तो हम जहाँ जा रहे हैं 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था, तो हमने 2 बस बदलनी है। तो 1 बस हम उतर चुके हैं, अब दूसरी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बिल्डिंग दिखा दूँ, काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है। तो यहाँ हमें दूसरी बस मिल गई है और हम चलते हैं अपनी बिल्डिंग जो कोफचो है वहाँ देखने के लिए। तो ये लीजिए हम चल दिए हैं और मैं आपको बाहर का सीन दिखाती रहूँगी साथ के साथ। तो यहाँ हम उतर गए हैं, बच्चे बोल रहे थे यहाँ कुछ जगह है, एक जगह है, तो नाम सुन रखा था पर गए नहीं थे कभी बच्चे, तो हमने सोचा चलो चल के देख लेते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर नाम है और गई नहीं है। तो हम चल दिए और जाके हमने देखा तो हमें इतना खास नहीं लगा। वैसे शहर वालों के लिए सही है, एकांत, हरियाली, पानी के झरने, ये सब, लेकिन हम लोग तो अपने, हमारे यहाँ नहर है तो हमें इतना खास नहीं लगा। तो यहाँ हम जा रहे हैं तो पानी इस तरह से ऊपर से बहता है, ये पहाड़ों से पानी बह के आ रहा है। जो सामने पहाड़, इधर मैं आपको दिखाती, सामने यहाँ पहाड़ है, बर्फ़ का पहाड़ी है, तो वहाँ से पानी बह के, बर्फीली पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ से ये पानी बह के आता है। तो ये बच्चे थोड़ा सा देख रहे थे और ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर कुछ कोई ख़ास चीज़ हो जिसका नाम था ये, पर ऐसे कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। सिर्फ यहाँ पानी का तालाब है, इसमें बच्चे स्विमिंग करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, जैसे कि गर्मियों के दिनों में, तो वही यहाँ बच्चे लगे हैं नहाने। तो हमें कुछ इतना खास नहीं लगा तो हम चल दिए वापस। तो इस तरह से कुछ पानी के झरने जगह जगह हैं छोटे मोटे, जैसे बच्चों को दिखाने के लिए। तो अब हम चल दिए अपनी बस की तरफ। कहाँ पर आ गए? तो अभी अपन लोग कोपचे में आ गए हैं, कोपचका, कोपचिका। तो बच्चे कुछ अंदर लेने गए हैं पानी, क्योंकि गर्मी लग रही थी तो पानी से लेकर नहीं आए थे। तो यहाँ बच्चे अपना पहाड़ देख रहे हैं, कुछ खाने पीने का मिल जाए। और इधर तो आंसू अंदर गया कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने। ये सामने, सामने है, अभी हम ऊपर चढ़ के जाएंगे, जहाँ हम जाएंगे अभी आगे। तो हमें अभी यहाँ से एक बस और पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने बस ली, मैं और अजय ही बस में गए थे, बाकी सब पैदल आ रहे थे। जैसे तो यहाँ ये गेम, जेंट्स हैं ये गेम खेल रहे हैं, कोई गेम है इनके, देखने में तो अच्छा लग रहा था पर समझ में नहीं आ रहा था किस तरह का गेम है ये। तो हम पहुँच गए ऊपर कोपचका में। यहाँ पर कुछ अपने यहाँ, अगर इंडिया में अगर ऐसी जगह होती है तो बाहर से ही उसका टिकट लग जाता है कि एंट्री का टिकट है, यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं थी। अंदर जाइए और जो आपको गेम खेलनी है वहीं आपको टिकट, उसी गेम के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन बाकी यहाँ पर पार्क, जू बन रहा है, बाकी और देखने की चीज़ें, इसका कोई मतलब एंट्री फीस नहीं थी। तो हम यहाँ चल दिए हैं और जा रहे थे अपना देखते हुए कि क्या क्या है यहाँ जगह जगह, कुछ ना कुछ मतलब बने हुए थे। तो पैदल ही धीरे धीरे जा रहे थे, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो यहाँ ये देखिए, ये कुछ मतलब तीरंदाज हैं कुछ, किस तरह का आने को तो पैदल इस तरह से बना हुआ था। तो हम भी इधर निकल लिए, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीरों का जो निशानेबाजी होती है उसका यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है। और अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ कुछ पार्क है, कुछ जू है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ
ये देखिए ये बाज है, यहाँ पर लोग बाज से फोटो खिंचवाते हैं, बाज के शौकीन हैं। तो इस तरह से कुछ मतलब ड्रेस पहनाकर, और ये जो सामने बाज है इसके साथ बैठ के वो एकदम से राजाओं जैसी फीलिंग वाला कुछ सीन होता है, तो उसके लिए लोग यहाँ पर फोटो खिंचाते हैं। यहाँ मैंने काफ़ी जगह देखा है जहाँ भी घूमने की पैलेस होती है, टेरिस पैलेस होता है, वहीं पर इस तरह से बाज जगह जगह बिठाए होते हैं। और इसी तरह से ये देखिए ड्रेस इसको पहना दी गई है और अब ये बैठेगा अपने सिंहासन पे, जैसे राजा लोग बैठते हैं ना सिंहासन पे फील करते हैं, उसी तरह का यहाँ का कुछ है। यहाँ पर कुछ होगा कुछ इस तरह का सीन जो ये लोग इस तरह से फ़ोटो खिंचवाते हैं, मैंने काफ़ी जगह पर देखा इस जगह से। तो ये लीजिए इसकी शूटिंग तैयार हो चुकी है और ये फ़ोटो खिंचवा रहा है बाज के साथ, इस तरह से बाज को अपने हाथ पे बिठा कर ये लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो और आगे अपन देखते हैं कि क्या क्या है आगे देखने के लिए। तो यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दिया, अब यहाँ हमारा शुरू हो गया है ये देखिए ये है ऊँट, मतलब अपने यहाँ तो ऊँट बोलेंगे लेकिन ये देखने में ऊँट जैसा लग रहा था, पर ऊँट नहीं था, बहुत गिट्ठी नस्ल का छोटी नस्ल का था, देखने में ऊँट जैसा था। तो अब पता नहीं ये कहाँ का ऊँट है, इसके बाहर कुछ लिखा नहीं था, बट देखने में ये ऊँट के जैसे ही लग रहा था। तो यहाँ पर हमने एक तरह से बोलते ना ऊँट टाइप का ही कुछ जानवर है ये। और हम आगे चले और अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या दिखाई देता है यहाँ पर। तो ये देखिए ये यहाँ के जो लोग होते हैं उनको मतलब इस तरह के गेमिंग खेलने में और एक्सरसाइज करने का ज़्यादा ही शौक होता है। तो ये यहाँ पर एक गेम है, तो ये आपको यहाँ से शुरुआत हुई और इसका एंड मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो ये देखिए आप इस ऊँट को देख रहे हैं, ये ऊँट है। और अब यहाँ पर ये भेड़ जो जहाँ जहाँ की एरिया की भेड़ हैं, बकरी हैं, वो सब यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये यहाँ की चाइना की जो भेड़ हैं, बकरियाँ हैं, उनका उनको इसमें जू में डाल रखा है। तो ये देखिए एक बकरी ये है काले रंग की, इसके सींग देखो इस तरह के सींग वाली ये बकरी है। और यहाँ पर ये बारहसिंगा, और बारहसिंगा भी यहाँ पर एक ही उसमें दो तीन थे, और हिरन थे, तो इस साइड वाले में हिरन हैं, हिरनी जिसे कहते हैं वो। तो यहाँ पर इनको मतलब वैसे तो बिल्कुल नज़दीक था, बिल्कुल हाथ लगा के हम कुछ चीज़ खिला, मतलब जो वहीं पर इसी के अंदर जो मिलती है पत्ता गोभी वगैरह वही खिला सकते हैं, बाहर की कोई चीज़ खिलाने के लिए अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर ये हिरन और वो है बारहसिंगा, तो ऐसी ही पूरे उसमें कुछ कुछ वैरायटी दे रखी है। जू वाली नहीं है, कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं है, कोई शेर भेड़िया ऐसे नहीं है, है छोटे मोटे आइटम हैं इसमें देखने के लिए, ज़्यादातर तो यहाँ पर इसी तरह के मिलेंगे हल्के फुल्के से जो है। पर इसी के लिए भी अगर अपनी इंडिया में चले जाओ तो वहाँ भी इसके लिए टिकट लगता है, बट यहाँ पर कोई टिकट नहीं था इसके लिए। तो ये शुतुरमुर्ग ब्लैक कलर का, और एक सामने बैठा हुआ है और एक यहाँ पर है, दो हैं इसमें। तो इस तरह से ये मुर्गी बतख बतख हैं शायद, हाँ बतख हैं ये, और ये है मुर्गी, ये देखिए ये है चाइना मुर्गी, चाइना चिकन बोलते हैं इसको, चाइनीज चिकन। तो यहाँ पर ये इस तरह का एक तोता है और इसकी वैरायटी, और यहाँ पर ये आप वाइट कलर का देख रहे हैं, ये भी मुर्गा ही जैसे लग रहा है। तो मतलब थे तो मुर्गे जैसे, पर सबकी वैरायटी कुछ कुछ अलग थी, सब देखने में अलग अलग प्रकार के लग रहे थे ये। तो यहाँ देखिए ये एक इस रंग का ये बैठा हुआ था, तो काफ़ी सुंदर थे देखने में, अच्छे लग रहे थे इनकी, मतलब तरह तरह की वैरायटी देख के भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस तरह की वैरायटी अपने यहाँ जू में चले जाओ तो वहाँ नहीं मिलेगी देखने के लिए, और उसके लिए भी हमें टिकट लेना पड़ता, लेकिन यहाँ कोई टिकट नहीं था, फ्री में था, फ्री में सारे पक्षी जो थे हमें देखने को मिल रहे थे। तो आप ये देखिए ये कितना प्यारा तोता है, कलरफुल तोता ही बोलेंगे इसको, इसका नाम था कुछ पर मैं तो तोता ही बोल रही थी इनको। तो ये इस तरह से बर्ड्स हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर वैरायटी के, अगर आपको इनका नाम पता हो तो ज़रूर कमेंट्स में डालें लिख कर क्या 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 नाम है इनके। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाइट कलर का था, तो मेरा भी कैमरा कुछ ख़राब सा हो रहा है तो साफ से फ़ोटो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए ये लंबी पूंछ वाला, ये भी काफ़ी सुंदर है, पक्षी जो वहाँ पर थे बर्ड्स थे ये काफ़ी सुंदर सुंदर थे, और ये देखने में तो मुर्गी की तरह लग रहा है, लेकिन हाइट इसकी मुर्गी की तरह है, लेकिन देखने में ये मोर के पंख टाइप में इसके कुछ डिजाइन बना हुआ था।
और यहाँ पर ये येलो कलर का और यहाँ ब्लैक कलर का, ये देखिए इसकी जो हरकत है बिल्कुल तोते की तरह कर रही थी। ये देखिए कितना सुंदर पक्षी लग रहा है, बहुत ज़्यादा शानदार पक्षी था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा पक्षी। और इसी तरह के पक्षी काफ़ी सारे थे यहाँ पर, ये मोर कबूतर, वाइट वाले कबूतर और मोर। और यहाँ पर ये देखिए मतलब जिस जिस देश के पक्षी थे वहाँ बाहर पर्ची लगी हुई थी कि इंडिया के, ये इंडिया के मोर थे, वो वाइट वाला भी और वो ब्लू वाला जो दे रखा था ना अपना जो राष्ट्र पक्षी है, ये बाहर लिखा हुआ था इंडिया वर्ल्ड, तो ये मतलब अपने इंडिया के ही पक्षी हैं जो वहाँ पर डाल रखे थे उन्होंने उसमें पिंजरे के अंदर। ये मोरनी मोर ये सब इंडिया से लाए गए थे, और जिस जिस देश के वो जो पक्षी लगाए थे, जानवर लगाए थे, उनकी बाहर लिस्ट लगी हुई थी, वो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसको। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर, ये मोर का दो जोड़े, दो मोर के जोड़े थे और ब्लैक वाले भी थे और वाइट के भी दो मोर थे। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए कार का, ये जो कार है इसमें इस तरह से रेसिंग वाली काफ़ी देखने में खतरनाक लग रही है, मैं तो नहीं जा सकती, मुझे तो लगता है डर। इस तरह से यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटी की बच्चों के लिए एक काफ़ी अच्छा था ये, तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ और भी काफ़ी चीज़ें, तो वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए पूरी वीडियो। अभी तो वीडियो आधी ही हुई है लेकिन आप देखते रहिए। यहाँ पर ये कार रेसिंग था बच्चों की, इसमें बड़े भी बैठे थे और बच्चे भी बैठे थे, दोनों भी बैठे थे, इंजॉय कर रहे थे, फुल इंजॉय यहाँ पर। और ये सब कुछ देखने में काफ़ी पता नहीं लगा टाइम कि हमें कई घंटे हो गए थे देखते देखते, पता ही नहीं लग रहा था टाइम का, टाइम कब कम में इस तरह से निकल गया। काफ़ी सुंदर जगह, देखने लायक जगह थी, अच्छी जगह थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्टैचू, इस तरह से ये जो नौका जो जो अपना झूला बनाया हुआ है उसके यहाँ स्टैचू लगाए हुए हैं। और यहाँ ये देखिए ये है, जब हम पहुँच गए ऊपर तो उसी का ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, नीचे से ऊपर तक इस तरह से ये मीनार है। और यहाँ ये देखिए बच्चे छोटे, ये बच्चा 2 साल का होगा और इतनी ऊंचाई तक इसको मतलब इस तरह से, यहाँ के जो बच्चे हैं वो डरते नहीं हैं एकदम से, इनको कितनी भी हाइट तक ऐसे उछाल दो तो बिल्कुल डरते नहीं। और ये देख लो 2 साल का मुश्किल से होगा ये बच्चा, और इसको इतना ऊपर उछाल रहे थे और वो खुश हो रहा था, जितना ऊपर कर रहे थे उतना ही खुश हो रहा था। तो अपने यहाँ के बच्चे जरा सी ऊंचाई में डर जाते हैं, ये बच्चे इतना एक्टिव होते हैं इस चीज़ के मामले में बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि इनको बचपन से ही एक्सरसाइज योगा ये सब सिखाया जाता है, तो इसमें बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जाती हूँ शाम के टाइम पार्कों में, तो पार्क में भी ज़्यादातर अपने यहाँ तो ज़्यादातर झूले मिलेंगे, खेल खिलौने मिलेंगे, लेकिन यहाँ के जो पार्क हैं उसमें बच्चों के लिए एक्टिविटी के सारे होते हैं सिस्टम, मतलब उनके योगा के ऊपर, उनके एक्सरसाइज के ऊपर जो मशीन लगी होती है सब इस तरह की लगी होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने इंडिया में इस तरह से नहीं है। तो यहाँ पर जू है, बच्चे खेलने आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए फिश मछली पकड़ने का सिस्टम है, बच्चे इस तरह से मछली पकड़ते हैं। तो ये लड़के ने मछली की गेम है, इसने अपनी गेम दिया और अपना रख कर चले गए। तो इस तरह से यहाँ मछली वाली गेम है, बच्चे अपनी मछलियाँ पकड़ते, मछली भी प्लास्टिक की है, रियल की मछली नहीं समझना इनको, ये प्लास्टिक की मछली है। तो यहाँ पर ये देखिए, और जब तक वो लोग आते हैं चलते हैं आगे। तो अभी मतलब मैं और अजय ही आए हुए थे, बाकी लोग पैदल आ रहे थे, तो धीरे धीरे आ रहे थे, तो हम यहाँ पर बैठ गए हैं, यहाँ सामने पिज्ज़ा मिलता है तो हम उसके बगल में बैठ गए थे, तो बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए छोटी सी मिनी रेलगाड़ी, कितनी सुंदर है रेलगाड़ी ये, इस तरह की ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब पूरे पार्क में घूम लीजिए, रेलगाड़ी के अंदर बैठिए और पूरा पार्क में घूम के आ जाओ, बिल्कुल नहीं थकोगे, पूरा सब कुछ देख लोगे, इंजॉय भी कर लोगे और अपना घूमना भी हो जाएगा। तो ये देखिए जो मैं आपको पहले दिखाया था ना उसी तरह के, वहाँ से आए ये लोग और यहाँ से यहाँ पर इन्होंने इस तरह से, ये देखिए वही वाली गेम थी जो यहाँ पर आके ख़त्म हुई है। और अब ये बच्ची छोटी सी, ये सामने लाल रंग की गिलहरी, इसको खिला रही है पॉपकॉर्न। अब ये बार बार पॉपकॉर्न डाल रही थी लेकिन वो गिलहरी बार बार भाग जा रही थी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी लाल रंग की गिलहरी, वहाँ पर लाल रंग की गिलहरी होती है, गिलहरी भी काफ़ी बड़ी होती है, अपने यहाँ होती हैं ब्लैक कलर की, उस पर उसकी पीठ पर 3 लाइनें होती हैं, बट वो तो ब्राउन कलर की थी और कोई लाइनिंग वगैरह भी नहीं थी और काफ़ी बड़ी, अपनी वाली गिलहरी से दुगनी तिगनी बड़ी थी। तो ये काफ़ी मतलब यहाँ पर बहुत ही कम गिलहरी मिलती है देखने को, लेकिन ये जो गिलहरी होती है ये मतलब किसी से डरती भी नहीं, लोग इसको इंजॉय करते हैं
और यहाँ देखिए वो बच्ची चली गई पॉपकॉर्न डालकर, तो बाद में आई है खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी गिलहरी है ये, और इसका कलर भी काफ़ी सुंदर है। मुझे ये गिलहरी बहुत ज़्यादा पसंद आई वहाँ पर, मैंने दो तीन जगह देखा इसको ज़्यादा। अपने यहाँ तो हर जगह मिल जाती है, कितनी सारी गिलहरियाँ होती हैं, वहाँ पर बहुत ही कम गिलहरी होती है, लेकिन ये बहुत एक्टिव होती हैं, काफ़ी सुंदर होती हैं और काफ़ी बड़ी होती हैं। और ये जैसे पार्क वगैरह होते हैं तो इसमें इनके पेड़ के ऊपर एक मतलब इनका होम बनाया होता है, घर बनाया होता है, ये उसी में जाके बैठ जाती हैं। तो इनको भी पता है कि यहाँ पर मेरा घर है, तो वहीं जाके ये बैठ जाती हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इसका घर भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये बच्चा आया था लड़का इसको खिलाने के लिए, वो भाग गई और यहाँ पेड़ के बगल में आके दुबक गई, अपना मुँह पे पॉपकॉर्न लेके बैठी है, पॉपकॉर्न खाकर तब बाहर निकलेगी। ये बाहर निकली है और मैं यहाँ बैठी हुई थी, बच्चे पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे थे और मैं इस गिलहरी को देखकर इंजॉय कर रही थी। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको पहले गेम दिखाया था ना, वही गेम है, इस तरह से ये चलाते हैं और काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, लेकिन रियल में बहुत ख़तरनाक लग रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ना इस बच्चे को कितनी हाइट तक इसको उछालते हैं। ये बच्चा तो फिर भी बड़ा था, जो मैं पहले भी दिखाया था वो बच्चा बहुत छोटा था, और उसको जितना ऊँचा उछाल रहे थे उतना ही वो खुश हो रहा था। तो अपने यहाँ तो डर लगता, बच्चे माँ बाप भी इतना बच्चों को नहीं करते इतना उछालने के लिए, यहाँ बच्चे मतलब उनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि और तेज़ करो और तेज़ करो, और बच्चा बड़ा खुश हो रहा था। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है बच्चों के लिए। तो ये सामने बैठे हैं, ये इसके पेरेंट्स हैं और इसको बोल रहे कि और तेज़ करो, ये और ऊपर उछालो इसे। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर लगता है इस तरह से देखते रहे तो, ये रानी महारानी का पता नहीं लगा और अंधेरा होने लग गया है, घंटी भी साथ में बजती है। बच्चे सभी आ गए थे तो अभी हम चलते हैं, जो आए थे यहाँ पर। अब चलो मोर लेके, यहाँ पर जो है सीन वो है सूरज को ढलते हुए देखते हैं, तो वही सीन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सनसेट बोलते हैं, तो वही हम चल रहे हैं और देखते हैं आगे का जो सीन है। फिलहाल हम इस पार्क को पूरा ख़त्म कर लें। तो ये रेलगाड़ी वापस आ गई लौट के, मुझे ये काफ़ी सुंदर लगी रेलगाड़ी, इसमें बच्चे बड़े सभी बैठ सकते हैं। काफ़ी सुंदर है ये रेलगाड़ी जो बनाई हुई थी उन्होंने, अंग्रेज़ों के ज़मानों की कुछ इस तरह से फीलिंग्स ही आती है देख कर इसको, काफ़ी सुंदर लगती है। अगर बच्चे हो तो काफ़ी इंजॉय करने वाले होते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको ले चलती हूँ। अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा और अंधेरा हो और सनसेट जो हमें वो दिखती है वो दिखे। तो यहाँ पर ये झूला है, ये काफ़ी ऊंचा है और ये बहुत धीरे धीरे चलता है, इसमें पूरी जो अलमाटी का पूरा व्यू इसमें दिखता है। तो अगर आप एक बार चढ़ गए ना तो पूरी अलमाटी का ऊपर तक का व्यू आ जाएगा। और ये देखिए चमत्कारी घर, चमत्कारी ही घर बोलेंगे इसको। तो ये है उल्टा घर, उल्टी कार, उल्टा फर्नीचर, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है और मैं वीडियो आगे लेके आने वाली हूँ। तो आप वीडियो पे ज़रूर बने रहिए और मेरा हर व्लॉग देखिए, मिस ना करिए। मैं आपको अंदर से पूरा ये उल्टा घर बनाया हुआ है, जिस कारीगर ने बनाया है उसने सारा सामान उल्टा लगाया है, और मैं आपको फुल इंजॉय करवाने वाली हूँ, अंदर की भी सैर करवाने वाली हूँ। तो आप वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ ये देखिए उल्टा मकान, उल्टी कार, सब कुछ उल्टा, काफ़ी सुंदर काफ़ी खूबसूरत घर, और देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं किस कारीगर के दिमाग में ये उल्टी सोच आई और उसने ये उल्टा घर बनाया। जो कोई देखे यहाँ पर खड़े होकर उसके फ़ोटो खिंचवा रहे थे कि भाई उल्टा घर भी होता है, वाकई उल्टे घर होते हैं, पहली बार ज़िंदगी में देखा कि उल्टा घर भी होता है। अब चलिए हम चलते हैं, यहाँ पर लाइन लगी है। तो यहाँ पर राफ्टिंग की लाइन लगी है और बच्चे कह रहे थे कि हम भी, अक्षय कह रहा था कि मैं भी करके जाऊँगा क्योंकि ये बहुत कम जगह पे मिलता है करने के लिए, यहाँ पर था तो उसका मन था, लेकिन इतनी लंबी लाइन देखकर फिर मन हट गया क्योंकि काफ़ी टाइम लगता। अभी देख रहे हैं ना आप कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी लाइन लगी हुई है, दो तीन घंटे पहले तो नंबर आने से रहा, तो अभी ये प्रोग्राम चेंज हो गया। पर देखते हैं जाके नीचे क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो सनसेट का जो सूर्य ढलने का जो सीन है यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिखता है, इसलिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, और कुछ अपनी राफ्टिंग वाले जो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं करते हुए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, तो यह कुछ बहुत ही खास है और
एप्पल जो सेम है हरे वाले से ग्रीन एप्पल्स के पेड़, ये नीचे लगे सारे ग्रीन एप्पल्स के पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये है राफ्टिंग का, तो ये काफी दूर तक फैला, जहाँ आपको ये व्हाइट व्हाइट चमक रहा है वहाँ तक फैला हुआ है। तो काफी देखने में खूबसूरत लग रहा है, अगर आप देखें ना तो ये मतलब सूरज की रोशनी की वजह से यहाँ कैमरे में साफ नहीं आ रहा, बाकी काफी सुंदर था यहाँ का नज़ारा। तो ये देखिए यहाँ पर ये राफ्टिंग के लिए बैठे हुए हैं बच्चे, और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं और इन लोगों को डर भी नहीं लगता। ये देखिए ये गए और ये चल दिए। अब यहाँ पर एक आगे जाएगा, उसके जब वो आगे लाइन पर पहुँच जाता है, आधे रास्ते पहुँच जाता है, फिर ये दूसरी वाली शुरू हो जाती है। तो यहाँ ये देखिए इसको इस तरह से ये दोनों चल दिए हैं। इन दोनों का भी नंबर अभी वो देखेगा, तो जब देखेगा वो आगे तक पहुंच गए हैं तब ये इसको चालू करेगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ से चलता है। तो ये देखिए यहाँ पर इनका भी नंबर आ गया और ये भी चलने वाले हैं। इस तरह से हम काफ़ी देर तक वो देखते रहे। फिर इधर मैं आपको दिखा दूँ रोज़ काफ़ी सुंदर काफ़ी खूबसूरत गुलाब हैं, और यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर लगता देखने में। और अब क्या करें, सब कुछ देख लिया और उसके बाद हम अब देख रहे हैं कि सूरज इंतज़ार कर रहे हैं, और ये सूरज ढले तब हम उसकी कुछ फ़ोटो क्लिक करें और उसका नज़ारा देखें और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सब अपने अपने जैसे जिसको अच्छा लग रहा था उसी तरह का कोई फ़ोटो खिंचवाने लगे हुए थे सभी के सभी। तो यहाँ सभी लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ कुछ बैठे हैं थक कर क्योंकि काफ़ी घूम लिए थे, तो यहाँ तो इस वजह से कुछ बैठ के लगे हुए हैं फ़ोटो खिंचवाने, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ जो लाए हैं वो अपने खा पी रहे हैं। तो यहाँ ये देखिए काफ़ी सारे ये एप्पल्स के पेड़ हैं सारे, और गुलाब भी काफ़ी तरह के यहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा ये। तो यहाँ पर ये यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो ये सामने बर्फीली पहाड़ी है, और इसी की वजह से वहाँ गर्मी बहुत कम होती है, बर्फ़ हमेशा पड़ती रहती है तो ठंडक होता है। तो यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये जो आदमी है ये मेरी फ़ोटो लेने लगा। वहाँ के लोग काफ़ी इंडियन को पसंद करते हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना उनको अच्छा लगता है, तो मेरे साथ भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई थी। काफ़ी मतलब इतना इंजॉय करके बोलते हैं, इतना प्यार से बोलते हैं फ़ोटो खिंचवाने के साथ सेल्फी लेने के लिए। वहाँ पर काफ़ी लोग मतलब दूर से ही पहचान लेते हैं और वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए ज़िद करते हैं कि हमारे साथ भी कोई इस तरह से फ़ोटो खिंचवाइए। तो ये देखिए सूरज ढलने लगा, हल्के हल्के लालिमा इसमें आने लगी है, और सभी को इसी का इंतज़ार था। और इसके बाद हम पूरा जो यहाँ का व्यू है वो दिखाएंगे आपको, और आप इस वीडियो पे बने रहिए, थोड़ी सी देर की वीडियो और रह गई है। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सनसेट, बिल्कुल यहाँ से जो पूरे शहर के बीच पूरा शहर यहाँ से दिखाई दे जाता है, और उसके बाद का जो सूरज ढलता हुआ बिल्कुल रेनबो टाइप में, यहाँ पर जो सूरज ढलता है तो बिल्कुल रेनबो तरह से, जिस तरह से बारिश के बाद रेनबो हो जाता है ना उसी तरह की वहाँ पर लकीरें, और देखने में काफ़ी खूबसूरत पहाड़ी के पीछे से ऐसे लगता है कि जैसे रेनबो निकल रहा है, उस तरह का यहाँ पर सूरज ढलने का नज़ारा होता है। सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और मौसम भी काफ़ी सुहाना था। ठंड बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था ठंड वैसे ही बढ़ती जा रही थी। तो आप देख रहे हैं सामने पहाड़ी के ऊपर जो बर्फ है वो चमक रही है ये सूरज ढलने की। तो अब यही हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी से हमारा जो ये सूरज है ढले और हम अपने घर के लिए रवाना हों। और काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ घूमते हुए, पूरा दिन आज हमारा इसी के नाम निकला। सवेरे के निकले 11 बजे के, और हमारा दिन छिप गया, काफ़ी दूर था, शहर से बाहर था और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर था। तो यहाँ से ये शाम के टाइम गाड़ियाँ जा रही हैं और उनकी रंग बिरंगी लाइटें भी चमकने लगी, और ये हमारा सूरज ढलने लगा है, और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यही नज़ारा देखने के लिए लोग इतना ऊपर आते हैं, इसकी जो ऊपर की पहाड़ी है बिल्कुल अपनी मतलब मनसा देवी की तरह इतना ऊपर हाइट पर है, और सभी लोग चढ़ के आते हैं सिर्फ इसी को देखने के लिए। ये सूर्य देवता के हमने आपको दर्शन कराए हैं, और इस तरह से ये हमारा जो सनसेट पॉइंट है यहाँ पर हम आए हैं घूमने के लिए और हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आप चल दिए हम अपने घर के लिए, यहाँ पर हम आ गए हैं नीचे और अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये सामने हमारी बस है। और अब हम चल दिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।